हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। MDU हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में MDU के जो स्टूडेंट हैं वो अपना रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं बिना रोल नंबर के। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। जो MDU के जो स्टूडेंट हैं वो बिना रोल नंबर के अपना रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं। रिजल्ट निकालने के 4 तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। जो आपका पहला तरीका है वो तो यही है, आप MDU रिजल्ट सर्च करके यहाँ पर आके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल के, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर डाल के और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करके आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा। ठीक है दोस्तों, जो दूसरा तरीका आपका रिजल्ट निकालने का, आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको MDU रोहतक सर्च करना है। MDU रोहतक सर्च करने के बाद आपके सामने ये ऐप आ जाएगा, MDU रोहतक ऑफिशियल। ये MDU का ऑफिशियल ऐप है, इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के ओपन करना है। वहाँ पर रिजल्ट के सेक्शन में जाना है। रिजल्ट के सेक्शन में जाने के बाद आपको अपना सेमेस्टर सेलेक्ट करना, अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है दूसरा तरीका। जो तीसरा जो तरीका है रिजल्ट निकालने का, वो है रिजल्ट गैजेट से। रिजल्ट गैजेट से भी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं बिना रोल नंबर के, बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के। सिर्फ आपके पास स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जो आपका लास्ट तरीका, सबसे आसान तरीका रिजल्ट निकालने का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो रिजल्ट निकालने का दोस्तों चौथा तरीका है बिना रोल नंबर के, वो ये रहा। सबसे पहले आपको MDU एडमिट कार्ड सर्च करना है गूगल पर। MDU एडमिट कार्ड सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आएगा देखते हैं, एडमिट कार्ड फुल रिपेयरिटी इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कल जो रिजल्ट आए हैं वो BA BCOM वालों के स्टूडेंट का है, डिस्टेंस के जो स्टूडेंट है BA और MA के, यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक है टू डाउनलोड एडमिट कार्ड ऑफ BA BCOM एंड MA MSc MCOM फर्स्ट सेमेस्टर DD कोर्स July 2020 सेशन। जैसा कि आपको पता है, कल जो BA के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है या फिर MSc के जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है, MA पॉलिटिकल साइंस के जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट है, उनका कल रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों के पास रोल नंबर नहीं है तो उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा। उनको क्या करना है, MDU एडमिट कार्ड सर्च करना है गूगल पर। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों क्लिक करना है, क्योंकि जो आपका एडमिट कार्ड है वो यहीं से डाउनलोड हो जाए थे, और डाउनलोड जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में ही आपका जो रोल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यहाँ पर क्लिक करके जैसे जो बाकी ये जो कोर्स है, जैसे रिपेयर के जो स्टूडेंट हो गए, वो अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये रिपेयर के जो स्टूडेंट है वो अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपके सामने जो पेज खुलेगा वो देख लेते हैं। ये ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो पता नहीं, स्टूडेंट आईडी पता है, स्टूडेंट आईडी डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के बाद उसमें आपकी स्टूडेंट आईडी भी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा, और तो आपका है रोल नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो रोल नंबर आने के बाद आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। रोल नंबर आने के बाद आपको MDU रिजल्ट गूगल पे सर्च करना है। गूगल पे सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और रोल नंबर डालना है, और प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। आपका रिजल्ट बिना रोल नंबर के डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, MDU एडमिट कार्ड सर्च करना है। आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, जब भी आपने एग्जाम दिए थे उसी लिंक पर क्लिक करना है। उसी लिंक पर क्लिक करके आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड पर स्टूडेंट आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आ जाएगा, वहाँ से आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा तरीका है। जो आपका तीसरा तरीका, वो आप MDU की जो ऐप है, ऑफिशियल ऐप, उसको इंस्टॉल करके भी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो आपका फोर्थ तरीका है रिजल्ट निकालने का, रिजल्ट गैजेट से भी आप बिना रजिस्ट्रेशन नंबर, बिना रोल नंबर रिजल्ट निकाल सकते हैं। सिर्फ आपके पास स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, रिजल्ट गैजेट का जो अभी नोटिस है वो भी नहीं आया है। रिजल्ट गैजेट के जो नंबर है वो भी अपलोड नहीं हुए हैं साइट पर, नहीं तो वहाँ से भी आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल सबसे आसान तरीका यही है, आपको MDU एडमिट कार्ड सर्च करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड पर रोल नंबर मिल जाएगा और आप अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सीधे रिजल्ट निकालना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सीधे अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एडमिट कार्ड का लिंक नहीं पता तो एडमिट कार्ड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ जाकर आप सीधे एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MDU हेल्प को ज़रूर सब्सक्राइब करें।